अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ था, इसमें कुछ बातें हैं जो हमने पढ़ ली हैं, कुछ नहीं आएंगी। तो पहला क्वेश्चन 9.1 देखिए, अंडर व्हाट कंडीशन टू और मोर सोर्सेज ऑफ लाइट बिहेव एज कोहेरेंट सोर्स। दो कंडीशन बताएं जिस पे दो लाइट सोर्स जो है कोहेरेंट सोर्स बनेंगे। टू और मोर सोर्स ऑफ लाइट बिहेव एज कोहेरेंट सोर्स इफ़ दे हैव नो फेज डिफरेंस और हैव अ कॉन्स्टेंट फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स इमिटेड बाय दैम। A common method of producing two coherent sources is to use a source to illuminate a screen containing two narrow slits. Hence, two or more sources derived from a single source of the light behave as a coherent source because they are in the same phase. ये हमने तब भी सीखा था जब हमने इंटरफेरेंस से पहले इंटरफेरेंस के बाद जो है ना उसकी कंडीशन डिस्कस की थी, वहाँ हमने ये डिस्कस किया था। उसके बाद 9.2 देखिए, हाउ इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू बिटवीन इंटरफेरेंस फ्रिंज अफेक्टेड बाय द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स ऑफ द यंग एक्सपेरिमेंट कैन फ्रिंज डिसअपेयर। दो पार्ट हैं, पहले मैं कहता है कि जो इंटरफेरेंस फ्रिंज बनती हैं वो स्लिट्स के दरमियान सेपरेशन से कैसे अफेक्ट होती हैं, और दूसरा क्या फ्रिंज डिसअपेयर हो सकती हैं। तो ये फ्रिंज स्पेसिंग का फार्मूला यहाँ पे है, डेल्टा वाई इज इक्वल टू लेमडा एल ओवर डी। डेल्टा वाई इज इक्वल टू लेमडा एल ओवर डी, अब इसमें लेमडा वेवलेंथ है, एल जो है वो स्क्रीन के दरमियान डिस्टेंस है, और डी जो है स्लिट्स के दरमियान डिस्टेंस है। अब जो सेपरेशन है स्लिट्स की वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रिंज स्पेसिंग की। अगर आप स्लिट सेपरेशन बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली फ्रिंज स्पेसिंग जो है ना कम हो जाएगी, और अगर आप डी बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे मींस स्लिट्स बहुत ज़्यादा दूर कर देंगे, डेफिनेटली जो फ्रिंज स्पेसिंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और एट द एंड वो डिसअपेयर हो जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट है जी, कैन विजिबल लाइट प्रोड्यूस इंटरफेरेंस फ्रिंज, एक्सप्लेन। क्या विजिबल लाइट जो है इंटरफेरेंस फ्रिंज प्रोड्यूस कर सकती हैं? यस, बिल्कुल, वाइट लाइट जो है ना वो जो कि विजिबल लाइट जिसे आप कहते हैं वो इंटरफेरेंस फ्रिंज प्रोड्यूस कर सकती है, लेकिन वो आपको पता है 7 कलर का मिक्सचर होता है, तो हर कलर जो होगा उस स्लिट से गुजरने के बाद जो है ना, यानी लाइट जब स्लिट से गुजरेगी 7 कलर्स में डिवाइड होगी, तो डेफिनेटली हर कलर जो है ना अपने अपने साथ ही, यानी अपने कलर के साथ ही जो है ना वो इंटरफेरेंस करेगा अपनी ही वेवलेंथ के बराबर, यानी रेड कलर रेड से करेगा, ब्लू ब्लू से करेगा, ग्रीन ग्रीन से करेगा। तो जो पैटर्न होगा वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्योंकि एक फ्रिंज की एक कलर का अगर एक ब्राइट फ्रिंज बन रहा है तो वहाँ किसी दूसरे कलर का डार्क फ्रिंज भी बन रहा होगा, तो इसलिए वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड ओवरलैपिंग होगा, लेकिन फ्रिंज ज़रूर बनेंगी विजिबल लाइट से। उसके बाद नेक्स्ट है 9.4, इन द यंग एक्सपेरिमेंट्स वन ऑफ द स्लिट इज़ कवर्ड विद द ब्लू फिल्टर एंड अदर विद द रेड फिल्टर, व्हाट वुड बी द पैटर्न ऑफ द लाइट इंटेंसिटी ऑफ द स्क्रीन। करें यंग एक्सपेरिमेंट के अंदर अगर हम एक स्लिट को रेड फिल्टर से कवर कर दें, एक ब्लू से, तो फिर कौन सा पैटर्न दिखाई देगा स्क्रीन पे? देखें कोई पैटर्न नहीं होगा, रेड और ब्लू कलर दो डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट हैं, फेस कोहेरेंस नहीं है यहाँ पे, और इंटरफेरेंस की पहली कंडीशन ही है कि दोनों सोर्सेज जो है ना फेस कोहेरेंस होनी चाहिए, तो कोई डार्क कोई ब्राइट फ्रिंज आपको स्क्रीन पे दिखाई नहीं देगी, उसके लिए मोनोक्रोमेटिक होना और फेस कोहेरेंस होना ज़रूरी है। उसके बाद है एक्सप्लेन वेदर द यंग एक्सपेरिमेंट इज एन एक्सपेरिमेंट फॉर स्टडिंग इंटरफेरेंस और डायफ्रेक्शन इफेक्ट्स ऑफ लाइट। कह रहा है कि आप बताएं कि यंग एक्सपेरिमेंट को इंटरफेरेंस स्टडी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं या फिर डायफ्रेक्शन के लिए। देखें उसमें डायफ्रेक्शन होती है, स्लिट से जब लाइट इमिट होती है वहाँ से डायफ्रेक्ट करती है, उसके बाद आगे पैटर्न स्क्रीन के ऊपर पैटर्न बनता है इंटरफेरेंस का। तो इस तरह से जो यंग एक्सपेरिमेंट है उसके अंदर ऑल्दो डायफ्रेक्शन इन्वॉल्व होती है, लेकिन हम उसको इंटरफेरेंस जो फिनोमेना है लाइट का उसको स्टडी करने के लिए जो है ना हम यूज़ करते हैं। उसके बाद है 9.6, एन ऑयल फिल्म स्प्रिंग ओवर ए वेट फुटपाथ शोज कलर, एक्सप्लेन हाउ डज दिस हैपन। कह रहा है कि एक गीले फुटपाथ के ऊपर जो है ना ऑयल की एक फिल्म थी, उसके ऊपर आपको कलर नज़र आ रहे हैं, उसकी बताएं रीज़न क्या है। देखें जो फुटपाथ के ऊपर ऑयल की लेयर है वो वाटर के ऊपर है, वाटर के साथ वो मिक्सअप नहीं हो सकती ड्यू टू डिफरेंट डेंसिटी, तो लाइट जब आके फॉल करती है उस ऑयल की लेयर से तो लाइट का कुछ पार्ट वहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाता है और कुछ रिफ्लेक्ट करता है जो वाटर सरफेस से जाके रिफ्लेक्ट होता है। तो दो बीम बन गई, दो रेज बन गई, वो आपस में ओवरलैप करती हैं, मतलब सुपरपोज होती हैं, तो इंटरफेरेंस करती हैं, तो इसलिए वो अगर वाइट लाइट हो तो डेफिनेटली वो 7 कलर्स भी वहाँ पर आपको नज़र आएंगे इंटरफेरेंस के, जो कि कंस्ट्रक्टिवली और डिस्ट्रक्टिवली जो है ना वो अपना इंटरफेरेंस शो करेंगे। उसके बाद 9.7, कुड यू ऑब्टेन द न्यूट्रल रिंग्स विद द ट्रांसमिटेड लाइट, इफ़ येस वुड द पैटर्न बी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑब्टेन विद द रिफ्लेक्टेड लाइट। कह रहा है कि आप न्यूट्रल रिंग्स जो है ना ट्रांसमिटेड लाइट से ऑब्टेन कर सकते हैं, और अगर हाँ तो फिर पैटर्न डिफरेंट क्या होगा, पैटर्न का डिफरेंस क्या होगा जो कि रिफ्लेक्टेड लाइट से आपने बनाई थी। यस, न्यूट्रल रिंग्स जो हैं वो ट्रांसमिटेड लाइट से भी बन सकती हैं,
यहाँ कोई फेस चेंज नहीं होगा, जस्ट ये होगा जो सेंट्रल स्पॉट था वो डार्क की जगह ब्राइट बनेगा, और जहाँ डार्क फिन्स थी वो ब्राइट फिन्स से रिप्लेस हो जाएंगी। उसके बाद है इन द वाइट लाइट स्पेक्ट्रम ऑब्टेन विद द डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग द थर्ड ऑर्डर इमेज ऑफ द वेवलेंथ कंसाइड विद द फोर्थ ऑर्डर इमेज ऑफ द सेकेंड वेवलेंथ, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द टू वेवलेंथ। कह रहा है वाइट लाइट स्पेक्ट्रम है, डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग के जरिए स्टडी कर रहे हैं, थर्ड ऑर्डर इमेज जो है पहली वेवलेंथ का वो कंसाइड करता है फोर्थ ऑर्डर इमेज के सेकेंड वेवलेंथ के साथ, तो आप उनकी वेवलेंथ की रेशियो कैलकुलेट करें। डी साइन थीटा आपने डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग के लिए पढ़ा था, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। अब यहाँ पर पहले आप पुट करेंगे फर्स्ट वेवलेंथ के लिए थर्ड ऑर्डर इमेज, तो डी साइन थीटा इज इक्वल टू डी साइन थीटा इज इक्वल टू 3 लैम्डा 1। उसके बाद सेकेंड वेवलेंथ के लिए आप पुट करेंगे 4, क्योंकि वो फोर्थ ऑर्डर है उसके साथ जो कंसाइड कर रहा है, डी साइन थीटा इज इक्वल 4 लैम्डा। अब आप इसका कंपेयर करें, लेफ्ट हैंड राइट साइड इक्वल है डी साइन थीटा और डी साइन थीटा, आप इसका कंपेयर कर लें तो 3 लैम्डा 1 इज इक्वल टू 4 लैम्डा 2। अगर आप रेशियो निकालते हैं तो लैम्डा वन ओवर लैम्डा टू जो कि 4/3 यानी 4:3 आ जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, हाउ वुड यू मैनेज टू गेट मोर ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रा यूजिंग द डायफ्रेक्शन ग्रीटिंग। डायफ्रेक्शन ग्रीटिंग के जरिए आप ज़्यादा ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रा कैसे हासिल कर सकते हैं, देखें डी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा होता है, एन आपने निकालना है, लैम्डा डिवाइड कर दें डी साइन थीटा के नीचे, और यहाँ आपको साइन मैक्सिमम वैल्यू 90 डिग्री पर दे सकता है, एक तो ये अरेंज करना होगा, दूसरा डी जो है वो ग्रीटिंग एलिमेंट है जो कि दो स्लिट्स के दरमियान गैप है उसको बढ़ाना होगा आपने, तो डी बढ़ा दें तो डेफिनेटली जो है ना वो नंबर ऑफ जो स्पेक्ट्रम है स्पेक्ट्रा ऑर्डर जो है ना वो बढ़ जाएगा, दूसरा वेवलेंथ को रिड्यूस कर दें, इस तरह जो है ना वो जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा है उसकी अमाउंट बढ़ जाएगी। उसके बाद है जी 9.10, वाई द पोलराइड सन ग्लासेज आर बेटर देन ऑर्डिनरी सन ग्लासेज। पोलराइड सन ग्लासेज आम ग्लासेज से बेटर क्यों होती हैं, देखें उनके पोलराइड सन ग्लासेज जो होती हैं उनके अंदर से लाइट का कोई एक प्लेन पास कर सकता है, यानी या तो वर्टिकल पास कर सकेगा या हॉरिजॉन्टल पास कर सकेगा, तो जो लाइट किसी भी सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर आ रही है आप तक वो पार्शली पोलराइज होती है, वैसे वाटर से या वेट रोड से या कहीं से भी वो किसी वॉल से या कहीं से भी वो रिफ्लेक्ट होकर आती है, तो नॉर्मली जो ऑर्डिनरी सन ग्लासेज हैं वो उसको पास थ्रू होने देती हैं तो उनकी ग्लेयर को कम नहीं करती हैं, लेकिन जो पोलराइड सन ग्लासेज होती हैं वो लाइट की ग्लेयर को रिड्यूस कर देती हैं जब वो आपकी आई के अंदर इंटर होने लगती हैं, डेफिनेटली उसे आईज प्रोडक्शन होती है और दूसरा आपको बेटर व्यू नज़र आता है जब आप सिंगल प्लेन वेव यानी सिंगल प्लेन की भी लाइट जो ना आपकी आई में इंटर होगी, डेफिनेटली जो सामने इमेज दिखाई देगा वो भी क्लियर होगा। उसके बाद है जी लास्ट क्वेश्चन, हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश बिटवीन अनपोलराइज एंड प्लेन पोलराइज लाइट। आपको कैसे पता चलेगा कि जो लाइट आपकी तरफ आ रही है वो प्लेन पोलराइज है या अनपोलराइज। आप उसके सामने पोलराइजर रखेंगे, उसको रोटेट करवाएंगे स्लोली, तो किसी खास एंगल के ऊपर अगर सारी लाइट ब्लॉक हो गई डेफिनेटली वो प्लेन पोलराइज लाइट होगी, और अगर आप रोटेट करवाते रहें लाइट डिम हो जाए लेकिन बिल्कुल कट ऑफ ना हो डेफिनेटली वो अनपोलराइज लाइट होगी। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन थे, नेक्स्ट इंशाल्लाह न्यूमेरिकल और कुछ एग्जांपल्स हैं चैप्टर की वो डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।